देखिए एक दिन तो सभी को यहीं पे जाना है। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी हम यहाँ पे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सुल्तानगंज में, और ये है ब्रिज वाला घाट जहाँ पे अष्टकवीनाथ का मंदिर है। और ये नमामि गंगे घाट का मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा गंगा नदी में पानी आए हुए हैं कि पूरा उस जगह पे भरा हुआ है। और यहाँ पे ब्रिज वाले घाट पे सभी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आरती भी चालू होने वाला, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए मैं रियर कैमरा आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि गंगा नदी में कितना ज़्यादा पानी। आपको धीरे धीरे ले चलते हैं आगे की ओर और नज़ारा आपको दिखाते हुए ले चलते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा संख्या में यहाँ पे मतलब कांवरिया लोग पहुँचे हुए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंगा नदी में पानी आए भी हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं सारा कुछ आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, तो आप ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ही आपको पानी का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। और मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ नज़दीक वहाँ पे अष्टकवीनाथ मंदिर के पास, और वहाँ से मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हर जगह पे पानी भरा हुआ है यहाँ पे, जो कि आपको हर जगह पे जल संकल्प करने का मौका भी मिलता था यहाँ पे, जहाँ की मैं आपको इधर दूर दूर तक दिखा रहा हूँ कि पूरा पानी ही नज़र आएंगे। और यहाँ पे जो आरती वहाँ पे होगा वो जगह आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं आगे की रोड ले चलता हूँ और इधर अष्टकवीनाथ मंदिर है वहाँ भी मैं आपको ले जा कर दिखाता हूँ। और जहाँ पे अगले साल हम लोग का मोबाइल भी चोरी हो गया था यहाँ पे गुप्ता जी का, वो जगह भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए ऐसे ही मैं दिखाते हुए ले चलता हूँ उसको आगे की ओर। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे अष्टकवीनाथ मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ये मंदिर है। और इधर मैं लेके आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग का मोबाइल भी चोरी हो गया था गुप्ता जी का, वो जगह मैं ले चलता हूँ आपको धीरे धीरे। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जल संकल्प, यहीं से होगा सारा कुछ, मैं आपको दिखाऊँगा वो अगले ब्लॉग में दिखाएँगे। तो ये ब्लॉग में मैं आपको यहाँ पर गंगा जी का आरती जो होती है वो हम आपको दिखाएँगे, गंगा माँ का आरती दिखाएँगे। और आगे ले चलते हैं आपको, आगे दिखाते हैं। तो चलिए देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग का मोबाइल अगले साल चोरी हुआ था, गुप्ता जी का पूरा बैग ही चोरी हो गया था, पैसा और उसमें पावर बैंक, उसका माइक, बहुत सारा सामान था जो कि यहीं से पूरा चोरी हो गया था। ये जगह वही है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चारों तरफ आप घूम के देख लीजिए, ये वही जगह है। और यहाँ पर ऐसे ही शिविर भी लगे हुए थे, और यहाँ पर सीढ़ी घाट से यहीं पे जाके स्नान करने के बाद यहीं पे जल संकल्प हो रहा था और यहीं से चोरी किया गया था। लेकिन इस साल आपको पूरा खाली खाली नज़र दिख रहा है, क्योंकि अभी जो है सावन का लास्ट चल रहा है और सामने आने वाला है सोमवार, तो ज़्यादातर भीड़ उसी दिन में यहाँ पे होने वाला है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कैसे आपको खाली खाली नज़र आ रहा होगा। तो चलिए आगे भी मैं आपको आरती ले जाके भी दिखाता हूँ। तो ब्लॉग में ऐसे ही आप कंटिन्यू बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी। देख सकते हैं यहाँ पे ये है अष्टकवीनाथ का मंदिर, और यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से लाइटिंग लगी हुई है, ये आपको मैं सारा कुछ दिखा रहा हूँ। और इधर यहाँ पे देख सकते हैं यहीं से अभी जल संकल्प होते हैं, और ये यहाँ पे पूरा देख सकते हैं चारों तरफ पानी भर गया है। ये बहुत नज़दीक में है अभी गंगा नदी में पानी, सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। और मैं नमामि गंगे घाट को भी ले जाके वहाँ पर दिखाता हूँ कि वहाँ भी कितना ज़्यादा पानी है। सो तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ का आरती होगा जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। Thank you.
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ तक पानी है गंगा नदी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उधर से जो रास्ता है उधर से आता है और इधर चले जाने के बाद अजगबीनाथ मंदिर की तरफ चले जाते हैं। तो ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक पानी है। देख सकते हैं यहाँ पे एकदम पूरा ऊपर तक पानी है। और इधर मैं आपको इधर कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ, देखिए। और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया कि सभी को एक दिन यहीं पे आना है, और यहाँ पे देख सकते हैं ले जा रहे हैं ये शमशान घाट इधर से ही, क्योंकि ये रास्ता पूरा ऐसे ही पानी से भरा हुआ है। पूरा भीगते हुए जाएंगे और वहीं पे किसी तरह वहाँ पे जलाने का जो जगह है वो थोड़ा ऊंचा जगह में है, तो उस जगह पे सिर्फ बचा हुआ है। और मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी जाएंगे तो पूरा भीग जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, यहीं पर इतना पानी आ गया है, देख सकते हैं। यहीं पर मैं अभी होटल भी पूरा नीचे भी नहीं गया हूँ, और यहीं से मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। और फिर रिटर्न चले जाएंगे हम लोग अपने रूम पर और वहीं पर आराम करेंगे। और फिर सुबह में आपको दिखाएँगे कि यहाँ पे हम लोग जो नमामि गंगे घाट में जल संकल्प करेंगे वहाँ ले जाके आपको दिखाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।